फ्रेंड्स, आई एम किशन बराई फ्रॉम बराई ओवरसीज और बहुत सारे लोग मुझे पूछने लगे हैं कि सर RODTEB के रेट्स कैसे चेक करना है और हमको कितना मिलेगा, राइट? तो ये वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली आपको कितना मिलेगा और कैसे कैलकुलेट करना है और RODTEB की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है। तो देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट है dgft.gov.in। यहाँ पर है रेगुलेटरी अपडेट्स, यहाँ पर आप जा सकते हैं। इसमें RODTEB करके स्कीम है, वो वहां पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर गाइडलाइंस अगर आपको पढ़ना है तो आप एक्सप्लोर करिए, और अगर आपको रेट्स देखने हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स में आपको कितना मिलेगा, राइट, तो यहां से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपको PDF फाइल मिलेगा, इसको यहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? तो ये चीज ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर ली है, राइट, तो वही हम ओपन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है अपेंडिक्स 4R, जिसमें RODTEB के रेट्स दिए गए हैं। जैसे यहां पर आप चेक कर सकते हैं, अपेंडिक्स 4R स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, जो है RODTEB। अब यहां पर RODTEB के एंट्री नंबर है, तो ये तो सीरियल नंबर है। टैरिफ आइटम है, ये आपका HS कोड है, ठीक है? यहां पर है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एस पर कस्टम टैरिफ हेड, ये आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। ये टोटल 308 पेज है दोस्तों इसमें, राइट? अब यहां पर RODTEB रेट एस पर परसेंटेज ऑफ FOB, राइट, यानी कि FOB आप जानते हो, अगर आपने मेरे 1-20 वीडियोस सीरीज देखा है तो FOB क्या होता है, हमने पहले उसमें MEIS का भी जिक्र किया है। तो MEIS भी आपको FOB के ऊपर ही मिलता था, और ये भी FOB के हिसाब से आपको परसेंटेज दिया गया है। फिर है UQC, यहाँ पर KGs है, ये है यूनिक क्वांटिटी, या फिर उनको क्वांटिटी कोड भी कहते हैं। तो ये KGs है, राइट, किसी में ये LBH होता है, किसी में लीटर्स होता है, राइट, ये चीज है। और यहाँ पर है कैप पर UQC, यानी कि ये एक कैपिंग है कि कैप के हिसाब से आपको मैक्सिमम गवर्नमेंट इतना देगा, राइट, जिस प्रोडक्ट्स में कैपिंग है। और कैपिंग जो है, आपको अगर आप शीट देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ की प्रोडक्ट्स में आपको कैपिंग मिल जाएगा। तो ये कैपिंग जो है उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता, चाहे भले आप परसेंटेज वाइज आपका ज्यादा हो, ताकि क्या है कि जो लोग फेक तरीके से ओवर बिल बनाते थे गवर्नमेंट से ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए, राइट, वो लोग ना करें और जेन्युइन तरीके से काम करें। इसके लिए कैपिंग देना जरूरी था, जो प्रीवियस स्कीम में भी काफी कैपिंग्स थे, राइट, तो ड्रॉबैक में भी थे, और यहां पर भी आप कैपिंग चेक कर सकते हैं। अब जो है, हम इस चीज को हमारी प्रोडक्ट के अनुसार सर्च करते हैं और कुछ कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मान के चलिए मेरा प्रोडक्ट है मैंगो, तो यहां पर आप कंट्रोल F प्रेस करिए, ठीक है, अपने PC में। यहां पर आपको फाइंड का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें आप सर्च करिए मैंगो, या फिर अगर आपके पास फिक्स HS कोड है, HS कोड कैसे फाइंड करना है वो हम पहले ही वीडियोस में बता चुके हैं, राइट? तो यहां पर मैं सर्च कर रहा हूं मैंगो, ठीक है, और यहां पर आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। तो यहां पर सीधा जो है अपना PDF 22वें पेज पे चला गया, राइट, तो ऑटोमेटिकली आप ये चेक कर सकते हैं। अब यहां पर मैं नेक्स्ट करूंगा तो उनका डिटेल्ड कोड आएगा, राइट, यहां पर मैं चेक, ये देखिए दोस्तों। अब मान के चलिए कि अगर मेरा प्रोडक्ट यहां पर अफुस यानी कि अल्फेंसो है, ठीक है, तो दिस इज माय HS कोड, ठीक है, उसमें मैं चेक कर सकता हूं कि 2.5% मेरा FOB के हिसाब से बेनिफिट है, और जिसमें पर केजी के हिसाब से कैपिंग लगा है 1.9 रुपीज। तो इसका मुझे कैलकुलेशन कैसे करना है और मुझे क्या मिलेगा, ये हम स्टडी करते हैं। तो यहां पर मैं वर्ड फाइल को ओपन कर देता हूं। अब नॉर्मली मैंगो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एज अ स्टार्टअप वो 1200 किलो का एक्सपोर्ट करता है, जिसको ULD हम कहते हैं बाय एयर, ठीक है, ULD में डाल के एक्सपोर्ट करता है। तो 1200 kg हो गया। अब चलिए, अब हम यहां पर उनका FOB वैल्यू जो है वो 5 लाख लिखते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। इसमें कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जस्ट मैं अभी आपको समझाने के लिए 5 लाख लिख रहा हूं, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है।
ये फाइल एक हो गया INR। अब ये हम FOB रखते हैं, ठीक है, हमने लिखा है। इसके ऊपर आप 2.5% कैलकुलेट कर रहे हैं, 2.5% ये आपका RODTEP का रेट है। तो कितना होगा, इसके लिए हम गूगल कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, ठीक है, 5,1,2,3,4,5, ठीक है, इनटू 2.5% एंड क्लिक ऑन इक्वल, तो ये हो गया 12,500 रुपए। ये आपका हो गया 12,500 रुपए। अब ये 12,500 रुपए जो है ये आपको परसेंटेज के हिसाब से, एफओबी परसेंटेज के हिसाब से आपको मिलता है, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ये चीज आपकी कैपिंग के अनुसार है या कैपिंग इससे कम है। अगर कैप का वैल्यू इससे कम होता है तो फिर वही मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो अब हमको कैपिंग के हिसाब से भी चेक करना है। तो ये मुझे कैपिंग के हिसाब से मिल रहा था 1.9 रुपीज पर केजी, ये मुझे मिल रहा था, ठीक है। तो अगर ये चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 1.9 INR पर केजी, तो ये जो मेरा कॉस्ट है वो कितना हो गया, तो है 1200 मल्टीप्लाई बाय 1.9 राइट, 2280 INR। यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो एक्चुअल में आपको जो बेनिफिट मिलेगा यहां पर आपको कैपिंग के अनुसार मिलेगा, राइट। यानी कि दिस इज द फाइनल बेनिफिट यू आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट एज पर दिस ईपी स्कीम। ये चीज आपको मिलेगा नहीं, राइट। तो यहां पर जो है मैं क्रॉस मार्क कर देता हूं, ये रेट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो अब कोई कहेगा कि मुझे तो परसेंटेज के हिसाब से बेनिफिट चाहिए, तो वो कब अप्लाई होगा? वो दोस्तों तब अप्लाई होगा जब आपका सोर्सिंग, यानी कि आपका सोर्सिंग कस्टम क्लीयरेंस कॉस्ट, आपका पैकिंग कॉस्ट, यानी कि जब आप बाय एयर या बाय सी करते हैं तो उनका वहां तक का लोडिंग तक का खर्चा, वो अगर आपका 5 लाख से कम है और वो 2280 से कम है या उतने का है, वहां तक आपको गवर्नमेंट बेनिफिट दे पाएगा। यानी कि ये रफली आंकड़ा आता है 1200 केजी, अगर आप ये एफओबी 90,000 में कर देते हो, राइट, तब जो है आप ये परसेंटेज के हिसाब से जा सकते हैं। तो अगर मैं ये 90,000 का 2.5% करूं, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2250, ठीक है। तो ये चीज आपको मिल सकती है, दिस वो आप परसेंटेज के हिसाब से जा सकते हैं। बाकी दिस वुड बी द वैल्यू विच यू आर गोइंग टू एक्चुअली गेट इन दिस, राइट। सो उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ पाए होंगे कि आपको ये कैलकुलेट कैसे करना है। आप चेक कर लीजिए कि क्या आपको परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा या कैपिंग के हिसाब से मिलेगा। ऑब्वियसली दोस्तों अगर हम प्रीवियस MEIS स्कीम की बात करें तो MEIS स्कीम में यहां पर आपको, मैंगो स्कीम में बात करूं तो डायरेक्ट यहां पर आपको 7% मिल रहा था, वो भी बिना किसी कैपिंग के, ठीक है, MEIS में। लेकिन यहां पर 2.5% है, कैपिंग उससे भी कम है, तो एग्जैक्टली आपको यहां पर ये मिलता दिख रहा है। दोस्तों यहां पर मैं गवर्नमेंट का कुछ क्रिटिसिज्म करने का कुछ बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक्चुअल सिनारियो बताना चाह रहा हूं कि जब आप प्रैक्टिकली कॉस्टिंग करें, प्रैक्टिकली वर्क करें, तो आपको रियल सिनारियो के बारे में पता चले। स्टेज में इतना भी देना पॉसिबल नहीं बनता था क्योंकि भारत देश के ऊपर अन्य देशों के, बड़े बड़े देशों के दबाव है कि वो इंसेंटिव ना दे एक्सपोर्टर को,
इसके बारे में दोस्तों मैं प्रीवियस वीडियोस भी बना चुका हूँ, मैं यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और बहुत सारे मैंने ट्वीट में आर्टिकल्स भी डाले हैं, न्यूज़ डाले हैं इसके रिगार्डिंग, कि क्यों अमेरिका जैसे कंट्री इंडिया के ऊपर दबाव बनाए हैं, केस भी कर रहे हैं कि आप एक्सपोर्टर को इंसेंटिव ऐसा ना दे, नहीं दे सकते, राइट? लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इतना दिया, इतना दबाव के बाद, इंटरनेशनल दबाव के बाद, तो ये भी पॉसिबल नहीं था, राइट? इसमें ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि सरकार का यहाँ पर ऐसा नीति है कि वो आपको कम दे, लेकिन इंटरनेशनल दबाव बहुत सारे हैं, राइट? जिसके कारण इतना भी देना एक बहुत डिफिकल्ट है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। दिस इज किशन बाराय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।